मुसलमान के साथ भग गई है, इसने हिंदू समाज को बदनाम किया है, इसके लिए आज ये हमारे हिंदू समाज के और परिवार के लिए मर गई है। बालिका हो या कफन का, ये कफन का औलाद है, टुकड़ा मेरे नाम इसको, और ये आज से हमारे लिए खत्म खत्म। मध्य प्रदेश के मंदसौर में एक पिता ने जिंदा बेटी को कफन उड़ा दिया। थाने में हुई इस घटना का वीडियो वायरल है। दरअसल यह लड़की करीब साल भर पहले गायब हो गई थी। परिजनों ने इसकी रिपोर्ट भी दर्ज कराई थी। 25 जून 2023 को लड़की एक मुस्लिम युवक के साथ नाहरगढ़ थाने पहुंची। उसने बताया कि वह निकाह कर चुकी है और अपने शौहर के साथ ही रहना चाहती है। इसके बाद पिता ने उस पर कफन डाल दिया। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार मामला मंदसौर जिले के कायमपुर गांव का है। आस्था सोनी नाम की लड़की एक दिन अचानक से गायब हो गई। उसके पिता ने नाहरगढ़ थाने में गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई थी। पुलिस ने जब आस्था को खोजा तो उसने साहिल नाम के मुस्लिम युवक से निकाह कर इस्लाम कबूलने की बात कही। इसके बाद पुलिस ने उसे बयान दर्ज कराने के लिए थाने बुलाया था। इसी की जानकारी मिलने के बाद आस्था के पिता अन्य परिजनों के साथ थाने पहुंच गए। जब उन्हें निकाह का पता चला तो उन्होंने लड़की को समझाने की काफी कोशिश की, लेकिन वह अपने शौहर साहिल को छोड़ने को तैयार नहीं हुई। इसके बाद पिता ने थाने में ही उसे कफन उड़ाते हुए कहा कि आज के बाद उनकी बेटी उनके लिए मर चुकी है। इस घटना के बाद लड़की अपने शौहर साहिल के साथ थाने से चली गई। लड़की के पिता ने बताया कि मेरी बच्ची पढ़ने के लिए कॉलेज जाती थी, 1.5 साल पहले बस स्टैंड से उसका अपहरण हुआ या वह किसी के साथ भाग गई, कुछ पता नहीं चला। अब वह अपने वकील के साथ थाने आई है और निकाह के बारे में बताया। अब वह लड़की ना तो मुझे माने है और ना ही समाज और धर्म को, इसीलिए मैंने उसे मरा हुआ मानकर कफन पहनाते हुए उसे अंतिम विदाई दी। बता दें कि 11 जून 2023 को मध्य प्रदेश के जबलपुर से भी ऐसा ही घटनाक्रम सामने आया था। मुस्लिम युवक से निकाह करने के चलते लड़की का उसके घर वालों ने कार्ड छपवा कर उसका पिंडदान तक कर दिया था। तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहिए किन्नी टाइम्स के साथ। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।